इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि इस ब्लैंक स्पेस में इन दोनों में से कौन सा सिंबल आएगा। ये वाला सिंबल हमारा होता है सबसेट का और ये वाला सिंबल हमारा होता है नॉट अ सबसेट का। अब अगर मान लो मैंने लिखा है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब है कि ए सेट के सारे एलिमेंट्स इस बी सेट में हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ए सेट है मेरा 1, 2, ये दो एलिमेंट्स हैं इसमें, और बी सेट में मान लो तीन एलिमेंट हैं 1, 2 और 3। यहाँ पर ए में हमारे पास 1 है, बी में भी हमारे पास 1 है, ए में हमारे पास 2 है, बी में भी हमारे पास 2 है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट हमारे बी सेट में प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब कि ए हमारा बी का सबसेट है। अब मान लो कि एक और सेट में ले लेती हूँ सी, जिसमें मेरे पास 3 एलिमेंट हैं 1, 2 और 4, और एक सेट मेरा बी है। अब यहाँ पर सी में हमारे पास 1 है, बी सेट में भी 1 है, सी में हमारे पास 2 है, बी में भी हमारे पास 2 है, लेकिन सी में हमारे पास 4 भी प्रेजेंट है जो कि बी सेट में हमारा नहीं है। इसका मतलब सी के सारे एलिमेंट्स हमारे बी सेट में नहीं हैं। तो इस केस में हम बोलेंगे कि सी हमारा बी का सबसेट नहीं है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास दो सेट हैं, एक है 2, 3 और 4 और दूसरा है 1, 2, 3, 4 और 5। फर्स्ट वाले सेट में हमारे पास 2 है, दूसरे वाले सेट में भी हमारे पास 2 है, फर्स्ट वाले सेट में हमारे पास 3 है, दूसरे वाले में भी 3 है, सिमिलरली फर्स्ट वाले सेट में हमारे पास 4 है और दूसरे वाले सेट में भी हमारे पास 4 है। इसका मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट्स हमारे ये वाले सेट में प्रेजेंट हैं। अब क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, तो इसका मतलब ये इस सेट का सबसेट है, तो यहाँ पर ये सबसेट वाला सिंबल आ जाएगा। इसको नोट कर लेते हैं।